आज मैं आपको राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी बनाना बताऊंगी। आप देख के आइडिया लगा सकते होंगे। जी हाँ, ये है कांजी बड़ा, जो डाइजेशन में बहुत ही फायदेमंद होती है। और मैं इसको आपको तीन तरीके से सर्व करना बताऊंगी, अपना ये फैंसी स्टाइल, देसी स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल। तो पूरा रेसिपी देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, और बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाएंगे कांजी वड़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। हमारा पानी बॉयल हो रहा है, ये देखिए हमारे पानी में उबाल आ गया है। तो हम पानी को पहले साइड में रख देते हैं। अब जब तक हमारा पानी ठंडा हो रहा है, हम अपने कांजी के लिए कुछ मसाले बना लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच पीली सरसों की दाल ले रही हूँ। आपके पास अगर सरसों के दाने हो पीले वाले तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पीली सरसों की दाल ले ली है, और 1 चम्मच ही ये काली वाली सरसों है, जिसको राई बोलते हैं, वो है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखा है। और 1/2 चम्मच अजवाइन है, 1/2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, और 1/2 ही चम्मच ये सौंफ है। ये सारे मसाले डाल के हम धीमी गैस पे थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 से 5 लाल मिर्ची डाल रही हूँ, सूखी लाल मिर्ची है। इसको भी हम साथ में ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे से हम सोटे कर लेंगे। इसको मुझे भूनते हुए 1 से 2 मिनट करीब हो गया है, तो अब मैं इसमें हींग ऐड करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ, जिससे कि हींग का भी जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। और इसको भी साथ में ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको ही हमको अब ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 30 सेकेंड के आसपास ही हम इसको भून लेंगे, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, और इसको हम पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें सारे मसाले डाल के इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। सारे मसाले इसमें डाल दें। ये हमारा पानी जो है अच्छे से ठंडा हो गया है, तो हम सबसे पहले इसमें अपने जो मसाले हमने पाउडर बनाया था ना, वो सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले खाने वाला नमक ऐड कर रही हूँ, फिर मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी, काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में ही 1/4 चम्मच ये हल्दी पाउडर है, इसको ऐड कर देंगे, और सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें 1 चम्मच करीब सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 1 चम्मच भर के सरसों का तेल ऐड कर दूँगी, इससे अचार वाली फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा कांजी का जो पानी है ना, वो जब बनके तैयार होगा तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल होगा। ये डाइजेशन में बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम इसको ढक के और 4 दिन के लिए फॉर्मेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसको 1 से 1.5 दिन धूप में भी फॉर्मेट होने के लिए रख सकते हैं। मैं इसको धूप में नहीं, घर में ही 4 दिन के लिए फॉर्मेट होने के लिए रखूँगी, और हर दूसरे दिन इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो रोज़ ही अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ढक के रख देते हैं। इनको ये 4 दिन तक फॉर्मेट होने के लिए रख दिया है, तो इसका ढक्कन हटाते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए हमारा पानी जो है फॉर्मेट हो गया है। इसको मैं बीच बीच में मिक्स करती रही। देखिए हमारा जो पानी है ना, अच्छे से फॉर्मेट हो गया है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब कांजी का पानी तो हमारा तैयार हो गया है, और अब हम बड़े बना लेते हैं। बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया है। मैं यहाँ पे बेसन के बड़े बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कांजी बड़े बनाने का। आप चाहें तो इसके साथ, इसके जगह पे मूंग की दाल के या उड़द की दाल के भी बड़े बना सकते हैं, जो हम दही बड़े में बनाते हैं ना, वो वाले बड़े भी बना सकते हैं। पर उसमें टाइम बहुत जाता है, और ये बिल्कुल क्विक और ईजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है।
अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब, और 1/2 चम्मच करीब लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा खड़ा जीरा डालेंगे, ये देखिए मैं थोड़ा सा ही खड़ा जीरा डाल रही हूँ इसमें। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में मैंने यहाँ पे पानी लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे पानी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हमको बड़े जो है ना भिगोने के काम में आएंगे, तो बस इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स करके साइड में रख देना है। तो चलिए अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। जो हमने बेसन निकाला था ना, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बनाना है। बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, लम्स फ्री बिल्कुल होना चाहिए, और खूब अच्छे से फेटेंगे ताकि ये अच्छा फूल जाए। इसके लिए हमको इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेटना पड़ेगा, जिससे ये बहुत ही अच्छा फूलेगा। ये देखिए मैंने अच्छे से फेट तो लिया है, पर मुझे अभी ये गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच के करीब। तो इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमको इसको खूब अच्छे से फेंटना है लगातार चलाते हुए, जिससे इसका कलर भी बिल्कुल लाइट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये फूल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए, इतना ही पतला बैटर हमको चाहिए। अब हम इसको करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम बड़े बनाएंगे। हमारे बैटर को फूलते हुए 10 मिनट हो गया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तेल भी करीब करीब गर्म है, तो हम पहले इसमें थोड़ा सा ड्रॉप डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म है, तो हम गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और हाथ से ही इसमें छोटे छोटे बड़े तोड़ लेंगे। देखिए मैंने जितना कढ़ाई में एक बार में आया उतना डाल दिया है बड़े को। अब इसको अच्छे से उलट पलट के और सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो ही रखा है। इसको अच्छे से सेक लेंगे, देखिए हमारे बड़े कितने अच्छे फूल गए हैं ना। इसको अच्छे से सेक लेंगे, ये देखिए हमारे ये बड़े जो है अच्छे से सिक गए हैं। तो हम इसको गैस से निकाल लेंगे, सॉरी कढ़ाई से निकाल लेंगे, और सीधे इसको नमक वाले पानी में डालेंगे। जो हमने नमक वाला पानी तैयार करके रखा था, ये सारे बड़े सीधे हम उसी में डाल देंगे। ये देखिए हमने जो बड़े पहले से डाले थे ना, ये हमारे अच्छे से पानी सोख कर लिया, फूल गया है। तो अब इसको हल्के हाथ से ऐसे दबा के इसका पानी निचोड़ लेंगे और इसको अलग प्लेट में ऐसे निकाल के रख देंगे। सारे बड़ों को जो पानी अच्छे से सोख कर लिए हैं उनको हम ऐसे करेंगे। ये देखिए कलर ही चेंज दिख रहा होगा, इसमें अभी कम पानी सोख हुआ है, इसमें पूरा हो गया है, तो इसका कलर ही अलग दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा हल्के हाथ से करना है, नहीं तो हमारे जो बड़े बने हैं ना ये टूट जाएंगे। तो बस हमको इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा करना है और इसको रख देना है। देखिए हमारे बड़े हैं अच्छे से सूख हो गए हैं, इनको साइड में रखते हैं, एक दूसरा बाउल लेंगे। तो चलिए हम इसको अपने कांजी बड़े तैयार कर लेते हैं। हमको सिर्फ उतना ही कांजी बड़े तैयार करना है जितना कि हमको यूज में लेना है, बाकी हम बाद में तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कांजी के पानी को अच्छे से एक बार पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इस बाउल में ले लेंगे। इसको फ्रिज में रख के अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया है, अभी हम थोड़ा सा ही पानी यूज करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे, थोड़े से ये पुदीने के पत्ते हैं, इनको ऐसे ही रफली तोड़ के डालेंगे, और थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे, इसको भी हम ऐसे रफली तोड़ के डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। साथ में ये थोड़ा सा बूंदी डालेंगे, ये ऑप्शनल है पर देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बड़े भी हम हमारे डाल देते हैं, इन बड़ों को सब हम इसमें पानी में डाल देंगे।
ये देखिए बनके तैयार है हमारा कांजी वड़ा। ये होली में बहुत ही स्वाद से खाया जाता है। ये राजस्थान की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, खासकर होली पे बनाई जाती है। पर आप इसको पूरी गर्मी एंजॉय कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए, फिर इसको सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी लगता है और ये डाइजेशन में भी बहुत ही फायदा करता है। तो चलिए हम इसको पहले सर्व कर लेते हैं। मैं आपको 3 तरीका बताऊंगी सर्व करने का। ये प्लेट में अपना देसी तरीका, ये कुल्हड़ में यानी कि मिट्टी के बर्तन में, ये हमको स्ट्रीट स्टाइल, और ये कांच में फैंसी स्टाइल। ये तीनों तरीके से मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो पहले हम ये कांच वाले बाउल में सर्व कर लेते हैं। देखिए आपको जितना खाना है उतना ही निकालिएगा। इसको अच्छे से इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर से पानी और बूंदी और डाल देंगे। ये देखिए हमारा ये फैंसी स्टाइल हो गया है, इसको साइड में रखेंगे। ये अब हमारा कुल्हड़ यानी स्ट्रीट स्टाइल, जो कि हमको ठेले वगैरह पे मिलता है, उसमें ऐसे सर्व करते हैं। तो मैं आपको 3 तरीका बता देती हूँ, आपको जो पसंद आए उस तरीके से आप सर्व करिएगा। इसको भी साइड में रख देते हैं। अभी हमारा देसी स्टाइल, जो नॉर्मली हम अपने घरों में खाते हैं, उस तरीके से सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारे बड़े कितने अच्छे फूल गए हैं ना, ये खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए ये हमारा देसी स्टाइल। तो आपको कौन सी स्टाइल पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।